तो आज जो क्लास है, इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो ये जो क्लास है ना, दिस विल बी इट विल बी वेरी शॉर्ट क्लास. तो आई कैन गारंटी कि इस क्लास के बाद आपको कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर विद इन वन आवर, एक घंटे के अंदर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस तरीके से कवर करा दूंगा कि आपको कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की. ठीक है, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तब भी पढ़ सकता है, किसी को एक्सपीरियंस है तब भी हम इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे ईजिएस्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करते हैं, क्या रीज़न था, क्या कॉन्सेप्ट था, और फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम एडवांस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक कर सकते हैं. और सब कुछ विद इन वन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरीके से कर लेंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन आए या कोई भी प्रोग्राम आए, किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम आए, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी ईजिली तरीके से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आई गिव यू दो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, उन दोनों प्रोग्राम के अंदर आप ये एनालाइज करके देखना कि दोनों में से कौन सा प्रोग्राम बेटर है, और दोनों जो प्रोग्राम है वो एक ही काम को करेंगे. ठीक है, इट कैन बी आइदर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, इट कैन बी आइदर फाइंडिंग फिबोनाची ऑफ नंबर, एनीथिंग, इट कैन बी वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम. जो प्रोग्राम है सबसे ईजी प्रोग्राम मैं लूँगा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना है, तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम कैसे निकालेंगे? एक तो हम बना सकते हैं नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, करेक्ट. तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे काम करेगा? इंटीजर फैक्ट विथ इंटीजर एन. तो यहां पर इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा. फाइन, अब हम क्या करेंगे? इंटीजर आई एन जे, आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स, लेट अस से आई इज इक्वल टू वन. नाउ फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, और मेक इट जे इज इक्वल टू टू, जे लेस देन इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस, हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय J, और एंड में वी आर गोइंग टू जस्ट रिटर्न I. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, राइट? यस, इट विल फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम व्हाटसोएवर, दिस इज वर्किंग परफेक्टली, राइट? फॉर द सेम प्रोग्राम वी कैन ऑल्सो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, इंटीजर फैक्ट विथ इंटीजर एन, इफ n is equal to 0, or just simply say if n is less than equal to 1, then return 1, else return n into factorial of n minus 1. Bahut hi easy, this is very very easy program, correct? Ab in dono program ka aim yahi hai, dono program, both the programs are going to find a factorial of a number. That is very easy, right? Now the only difference is, in this program we have multiple lines of code, in this program we have only two lines of code. Even if yahan par kitni lines hai hamare paas, line number 1 2 3 4 and 5, ye panch line ka program hai, aur ye jo program hai ye hamare paas do line ka program hai. Agar main aapko bolta hu out of these two programs which program is better, kaun sa program hai jo dusre program se better hai, to ab kaise bataoge kaun sa program dusre program se better hai? You will be finding some measurements, है ना? तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से बेटर है, तो उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए. अगर कोई क्राइटेरियाज ही नहीं है मेजर करने के लिए, तो हम कैसे मेजर करेंगे? एज सिंपल एज दैट. सो सबसे पहला जो हमारा मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड. अगर कोई नेव पर्सन है, यानी कि किसी को कुछ आता ही नहीं है, ही इज़ अ वेरी न्यू प्रोग्रामर, वेरी फ्रेश प्रोग्रामर, हमारा काम क्या है? प्रोग्राम लिखना. उसको बस इतना होगा कि भाई प्रोग्राम लिखा, उसको लगा कि हाँ भाई प्रोग्राम काम कर रहा है, तो प्रोग्राम काम कर रहा है तो मेरा प्रोग्राम ठीक है. ही डजंट थिंक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ही डजंट थिंक अबाउट एनीथिंग. एज ए बीटेक फ्रेशर हर कोई यही सोचता है कि भाई क्या होगा. अब यहाँ पर है क्या मेजरमेंट? सबसे पहला मेजरमेंट है कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, कि किसके अंदर कम लाइन है. ठीक है, अब कोई पर्सन बोलेगा कि ठीक है सर, इन दोनों में से इसके अंदर कम लाइन है, तो शायद ये वाला प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम होगा. इट मे बी करेक्ट, मे नॉट बी, वी हैव टू फाइंड आउट. सेकेंड इज, हम ये देखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड के बाद कौन सा प्रोग्राम इजी टू इम्प्लीमेंट या इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट या फिर इजी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? दिस इज ऑल्सो नेव पर्सन हु इज गोइंग टू से दिस, फाइन. इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं?
हम कैसे बोलेंगे दोनों से कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है, तो उसको बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर इजी टू इम्प्लीमेंट इजी टू अंडरस्टैंड के अलावा हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, टाइम टू एग्जीक्यूट ठीक है। अब ये जो टाइम टू एग्जीक्यूट है और ये जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, क्या ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है? सबसे पहले तो कुछ नहीं आता है कि सर क्या जो टाइम टू एग्जीक्यूट एंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड आर दे इंटररिलेटेड? दे मे बी मे नॉट बी, विल फाइंड आउट। चौथा चीज, सर द प्रोग्राम विच इज गोइंग टू टेक लेस स्पेस टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम इज बेटर, कि कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कम स्पेस ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब अगेन फिर एक क्वेश्चन उठ के आता है, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों सेम है कि नहीं है? बिकॉज इट लुक्स वेरी सिमिलर कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम टू एग्जीक्यूट एंड द स्पेस टू एग्जीक्यूट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइन्स ऑफ कोड, बट क्या एक्चुअल में उसे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं, एक नया लोग आया, सर ऐसा करते हैं द प्रोग्राम विच इज मोर ब्यूटीफुल इज गुड, ऑब्वियसली यू आर सिली यार, ब्यूटीफुल का क्या मतलब बनता है यहाँ पर। इसके अलावा कैन यू गिव मी वन मोर मेजरमेंट जो कि आप सोचते हो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एनी मेजरमेंट विच यू फील इज इम्पॉर्टेंट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इज इट डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू एग्जीक्यूट, यस, एनी अदर मेजरमेंट, थिंक अबाउट इट, एनी अदर मेजरमेंट, No? Okay. The next measurement is number of statements to execute. Yes, this is the question. क्या number of lines of code and number of statements are same or not? They are not same. Number of lines of code कितनी execute हो रही है, number of statements कितनी execute हो रही है, they are different. Correct? क्या इसके अलावा कोई और measurement हो सकता है? This one, again, it is the same kind of question. कि सर यहाँ पर तो चार पांच लाइन है, यहाँ पर दो लाइन है, तो अगर दो की जगह तीन लाइन कर दो क्या इफेक्ट आएगा? तो वो तो ये चीज आ जाएगी सर, लाइन्स ऑफ कोड विल इट इफेक्ट, दैट विल आंसर, वो जो आपका क्वेश्चन है दैट वी विल आंसर वाइल जब हम इन पॉइंट्स को एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अलावा क्या कोई और ऐसा मेजरमेंट जो आपको अफेक्ट कर सकता है? नो, कैन आई से स्पेस टू एग्जीक्यूट एंड स्पेस टेकन वाइल एग्जीक्यूटेड इज सेम? स्पेस टू एग्जीक्यूट, ओके चलो ठीक है, एक एक पॉइंट को उठाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। अब ये जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, कैन यू से दिस इज अ वैलिड मेजरमेंट? वी कैन नॉट से दिस इज नॉट एट ऑल अ वैलिड मेजरमेंट। वाई? बिकॉज ये जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है इट वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देर मे बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन जिसको 10 या 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और वो प्रोग्राम लिख रहा है, एंड देयर इज अ वेरी न्यू फ्रेशर। अब क्या होगा, एक एक्सपीरियंस पर्सन जिस प्रोग्राम को 10 लाइन में लिख सकता है, मे बी वो फ्रेशर उसके 100 लाइन्स में लिख रहा है, बिकॉज ही कैन राइट मोर एफिशिएंट प्रोग्राम, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसा हो सकता है, राइट? बट उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो फर्क ऐसा होता है कि हमारे पास जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन कंपाइलर। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, हम उसको देते हैं प्री प्रोसेसर के पास, ओके? और ये जो प्री प्रोसेसर है ये हमें प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम देता है जिसको हम देते हैं कंपाइलर के पास, और ये जो कंपाइलर है ये हमें फिर एक असेंबली लैंग्वेज कोड देगा, असेंबली लैंग्वेज कोड देगा जिसको हम देंगे असेंबलर के पास, फिर असेंबलर हमें एक मशीन कोड देगा जिसको हम देंगे लिंकर के पास, फिर ये लिंकर हमें लिंक्ड कोड देगा जिसको हम देंगे लोडर के पास, और ये जो लोडर है फिर हमें फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल कोड हमें देगा। देयर आर वेरियस स्टेजेस व्हाइल यू आर कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। अब इसके अंदर जो दूसरी स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज प्री प्रोसेसर बिफोर आई गिव द प्रोग्राम टू द कंपाइलर। बिफोर द प्रोग्राम इज इवन कंपाइलर इज गोइंग टू गेट अ कोड, उससे पहले ही हम एक प्री प्रोसेसर फेज में हम लोग दे देते हैं प्रोग्राम को।
अब इस प्री प्रोसेसर फेज का मतलब क्या है, व्हाई डू यू एक्चुअली रिक्वायर द प्री प्रोसेसर फेज, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी ईज के लिए, हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन कंपाइलर को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, प्री प्रोसेसर फेज उनको निकाल देता है। जैसे कि हम कई बार यूज़ करते हैं हैश डिफाइन स्टेटमेंट, हैश डिफाइन NS5, या फिर हम कई बार यूज़ करते हैं टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट, मोस्टली जब हम लिंक लिस्ट या फिर पॉइंटर्स या फिर हम जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ टाइप डेफ स्टेटमेंट, ताकि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के लिए हम छोटी छोटी लाइन लिखनी पड़े। तो वी कैन यूज़ टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट लाइक टाइप डेफिनेशन इंटीजर एस आई, या फिर वी कैन यूज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, इट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, और वी कैन यूज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट लाइक दिस, है ना। या फिर हमारे पास, हम बार बार लाइंस को चेंज करते हैं ताकि जो प्रोग्राम है वो क्लियर हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री प्रोसेसर पढ़ता है। अब प्री प्रोसेसर का काम क्या है, इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दो, इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दो, ताकि जो प्रोग्राम है वो उसमें से अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन निकाल के हम कंपाइलर को दे सकें। अब अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सर, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने मल्टीपल लाइंस लिखी है, पर जो मल्टीपल लाइंस लिखी है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें प्रोग्राम समझ में आए, लेकिन जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा उसको मल्टीपल लाइंस नहीं चाहिए। कंपाइलर को सिर्फ इतना सा चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स है दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर फिनिश हुई, ये जो स्टेटमेंट है उसके आगे एक सेमी कॉलन है। जब भी कोई स्टेटमेंट फिनिश होती है, वी आइदर वी हैव अ सेमी कॉलन और वी हैव दिस काइंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, राइट। स्टेटमेंट इज ऑलवेज एंडेड बाय सेमी कॉलन, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस तो उसके स्कोप को डिफाइन करता है, करेक्ट। इस पूरे प्रोग्राम को, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर प्रोग्राम इन फाइव लाइन्स, आई कुड हैव रिटन द सेम प्रोग्राम विद इन वन सिंगल लाइन। इवन इफ यू हैव अ प्रोग्राम विच इज हैविंग 1000 लाइन्स ऑफ कोड, आप उस 1000 लाइन के कोड को सिर्फ एक लाइन में लिखोगे और कंपाइलर उसको समझ लेगा, बिकॉज कंपाइलर को नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़, इसके अंदर कितनी भी स्पेस होगी वो भी कंपाइलर को नहीं चाहिए, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इवन दो इस प्रोग्राम के अंदर 5 लाइन है, इवन दो इस प्रोग्राम के अंदर 2 लाइन है, बट कंपाइलर के लिए दोनों प्रोग्राम सेम है, बिकॉज इन द एंड दे विल बी कन्वर्टेड टू वन सिंगल लाइन। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, ये हमारा एक सेकेंडरी मेजरमेंट हो सकता है, इट इज़ नॉट नेवर अ प्राइमरी मेजरमेंट, इट कैन नेवर बी अ प्राइमरी मेजरमेंट, ठीक है ना। कंपाइलर को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको दो व्यू से हम लोग देख सकते हैं। पहला व्यू है यूज़र व्यू, कि एज अ फ्रेशर या फिर एज अ प्रोग्रामर मैं इसको कैसे व्यू करता हूँ। दूसरा व्यू है सिस्टम व्यू, सिस्टम व्यू के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कितना टाइम लेगा, उसके अकॉर्डिंग ये कितना एफिशिएंट है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कैन बी लेट टू द यूज़र व्यू, बट इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट। तो हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इट कैन बी अ सेकेंडरी मेजरमेंट, इट कैन नॉट बी अ प्राइमरी, इट कैन बी अ सेकेंडरी मेजरमेंट, राइट। Easy to implement या easy to understand, again it is a secondary measurement, because easiness is defined by a person to person। जिस तरीके से अगर मैं एक experienced programmer हूँ, जो program मुझे easy लगेगा समझने के लिए वही program किसी और person को difficult भी लग सकता है, right? तो जो easy to understand या easy to implement है, that depends on person to person, you cannot say it is a primary measurement, it is a secondary measurement, correct? Third is time to execute। अब ये time to execute में confusion है, ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है कि सर टाइम टू एग्जीक्यूट, मैंने अपने प्रोग्राम को सिस्टम पे लगाया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने देखा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हमारा टाइम टू एग्जीक्यूट हो गया, राइट। बट इज इट अ वैलिड मेजरमेंट, इज इट ए वैलिड मेजरमेंट, इट इज नॉट अ वैलिड मेजरमेंट। वाई? बिकॉज टाइम टू एग्जीक्यूट डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम टू सिस्टम। लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, आपकी एक कंपनी है, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करेक्ट, और दिस इज मी, दिस इज माई कंपनी, ये मेरी कंपनी है। एज्यूम कंपनी का नाम है getlectures.com, करेक्ट। अब दिस इज मी, आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन और मे बी आई एम ए वेरी खड़ूस बॉस, एंड देयर इज अ पर्सन जो कि मेरे पास यहाँ पर जॉब करता है। अब हुआ क्या, यहाँ से एक बाहर से कंपनी से मेरे पास किसी से प्रोजेक्ट आया, कोई पर्सन ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, ही सेज कि सर प्लीज डेवलप अ वेबसाइट फॉर मी which is about matchmaking of the people, यानी कि कुछ लोग हैं, या फिर let us suppose it can be LinkedIn also, कि LinkedIn के अंदर आपके पास professional matchmaking हो रही है। professional matchmaking का मतलब है कि कौन किससे connected हो सकता है,
है ना, ताकि हम लोग उसको बाद में इंटरव्यूज के अंदर रेफरेंसेस की तरह काफ़ी चीज़ों की तरह यूज़ कर सकें। या फिर ऐसा हो सकता है मे बी इट इज़ अ शादी डॉट कॉम जहाँ पर लोग शादी करने के लिए और मैच मेकिंग हो रही है, वट एवर, इट कैन बी एनी थिंग एनी थिंग और इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो कि उसको बोलता है कि ऑन एवरी मिनट वी नीड दिस मच इन्फॉर्मेशन एंड वगैरह वगैरह। तो लेट अस सपोज ही सेज टू मी, सर आई नीड अ सॉफ्टवेयर और आई नीड अ वेबसाइट विच विल गिव मी एट लीस्ट 100 मैचेस पर मिनट और मे बी पर सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, आई गिव अ प्रोजेक्ट टू यू। अब आप अपने प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट बनाया, यू हैव अ वेरी हाई एंड मशीन, ठीक है, यू आर वेरी प्राउड कि हाँ मेरे पास हाई एंड मशीन है, यू हैव डन योर वर्क। अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, ऑन योर मशीन इट इज़ गिविंग 110 मैचेस पर सेकेंड, ठीक है, आपकी मशीन पर इट इज़ डूइंग वेल, यू सेड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो प्रोजेक्ट मिला था 100 का लेकिन मैंने 110 करके दिखा दिया, आई एम सो गुड, करेक्ट, ईगो बूस्ट होगा। अब होगा क्या कि यही जो प्रोजेक्ट है हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। अब क्लाइंट की साइड पर ना सबसे बड़ा चीज पता है क्या है, क्लाइंट की साइड पे क्लाइंट कैन हैव एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग का मतलब ये है कि क्लाइंट के पास एक बहुत अच्छी मशीन भी हो सकती है, उसके पास कोई एक बुरी मशीन भी हो सकती है, इट कैन ही कैन हैव ए P3 प्रोसेसर, ही कैन हैव ए P2 प्रोसेसर, ही कैन हैव P4 प्रोसेसर, और हमारे पास इट कैन वी कैन हैव ए हाई एंड मशीन। अब क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर किया, क्लाइंट को बोला कि आप रन करो, क्लाइंट की मशीन पर सिर्फ 80 मैचेस पर सेकेंड दे रहा है या 80 मैचेस पर मिनट दे रहा है, उसको 100 चाहिए था, उसको 80 मिला, तो क्या बोलेगा कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था 100 का, आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया 80 का, तो आपने मेरा काम करके नहीं दिया, चलो आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, डू इट। वो हमारे पास फिर से आया, मैंने आपको डाटा कि भाई आप नहीं कर सकते कुछ भी, डू दिस वर्क, आपने कहा फिर से टाइम किया, आपको लगा कि हाँ इट शुड बी गुड, तो ऑन योर मशीन इट कैन गिव इंस्टेड ऑफ 110 इट इज़ गिविंग 130 मैचेस पर मिनट। नाउ अगेन यू आर हैप्पी, आपने क्लाइंट को डिलीवर किया, अब क्लाइंट की मशीन पर इंस्टेड ऑफ 80 इट इज़ गिविंग 95, आपका फिर भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, कुछ ही फायदा नहीं हुआ, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, यू आर नॉट कैपेबल एनफ टू डू माई वर्क, है ना, इवन इफ ऑन योर मशीन इज डूइंग वेल, बट ये जो मेजरमेंट हुआ ना, जो टाइम टू एग्जीक्यूट, ये जो मेजरमेंट है मशीन टू मशीन डिपेंडेंट होता है, तो आप कभी भी जब मेजरमेंट आप करेंगे, इट कैन बी सेकेंडरी मेजरमेंट, इट कैन नेवर बी अ प्राइमरी मेजरमेंट, बिकॉज यू नीड अ मेजरमेंट विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मशीन आर्किटेक्चर यू वॉन्ट टू यूज, एनी आर्किटेक्चर, वाई एम सेइंग आर्किटेक्चर, बिकॉज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं कि देयर आर सम स्टेटमेंट्स जिसके अंदर स्टेटमेंट्स टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, एट द टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स, ओके। एज आई टोल्ड यू, देखो यहाँ से हुआ क्या, प्री प्रोसेसर से कंपाइलर के पास गए, कंपाइलर ने हमें असेंबली लैंग्वेज कोड दिया, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेट अस सपोज स्टेटमेंट हमारे पास है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर मैं ए इज इक्वल टू बी प्लस सी का असेंबली लैंग्वेज कोड बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, लोड आर नॉट कॉमा बी, लोड आर वन कॉमा सी, एड आर नॉट कॉमा आर वन, स्टोर ए कॉमा आर नॉट। तो यहां पर हमने इसको 4 लाइन से ब्रेक कर दिया, एक सिंपल सी स्टेटमेंट जो है, एक सिंपल सी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी कैन बी ब्रोकन इनटू 4 लाइंस वेयर ए एंड बी कैन शो एनी मेमोरी लोकेशन, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग बी आई कुड हैव रिटन मेमोरी लोकेशंस बिकॉज एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशंस। अब ये जो कोड हुआ, ये जो हमारा, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड, अब ये जो कोड हुआ, इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स, लाइक इट कैन बी AMD प्रोसेसर, इट कैन बी इंटेल प्रोसेसर, किसी भी तरह का प्रोसेसर हो सकता है, नाउ दीज प्रोसेसर हैव डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर्स एंड बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर्स दे कैन टेक डिफरेंट टाइम्स टू एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि आई कैन एज्यूम दैट जस्ट टू एग्जीक्यूट एन एड इंस्ट्रक्शन इंटेल प्रोसेसर इज टेकिंग 2 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट एंड जस्ट टू एग्जीक्यूट एन एड इंस्ट्रक्शन AMD प्रोसेसर इज टेकिंग 3 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। देर मे बी सम ऑपरेशन जो कि एफिशिएंट हो सकते हैं, देर मे बी सम ऑपरेशन विच आर नॉट एफिशिएंट। अब इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप इट मोर एब्स्ट्रैक्ट कि आपको टॉपिक समझ में आए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपका 5-10 घंटे इस टॉपिक को लग जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर इतना कवर हो जाए कि आप कभी भी इसमें मार ना खाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर हमारे पास स्टोर इंस्ट्रक्शन, इट कैन हैपन फॉर स्टोर इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लीमेंटेड मोर एफिशियंटली ऑन AMD प्रोसेसर बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड दैट मच एफिशियंटली ऑन इंटेल प्रोसेसर। एज्यूमिंग दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन टेकिंग 2 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट ऑन AMD एंड इट इज टेकिंग 3 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट ऑन इंटेल, ठीक है। अब अगर हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ज्यादा एडिशनल इंस्ट्रक्शन है एज इंस्टेड ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स दैट प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट बेटर इन टर्म्स ऑफ इंटेल प्रोसेसर बट दैट विल बी स्लो इन टर्म्स ऑफ AMD प्रोसेसर।
बट सेम प्रोग्राम अगर उसके अंदर ज़्यादा स्टोर इंस्ट्रक्शंस है तो वो एमडी में बेटर काम करेगा, इंटेल में काम करेगा. तो हुआ क्या, सेम प्रोग्राम, ठीक है, सेम प्रोग्राम, बट हुआ क्या, द ओनली बिकॉज वी हैव डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर्स, इवन तो दो प्रोसेसर्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सेम हो सकती है लेकिन आर्किटेक्चर अलग अलग है. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन अ सेम प्रोग्राम कैन टेक डिफरेंट टाइम्स टू एग्जीक्यूट इन डिफरेंट मशीन्स, राइट. सो ये जो टाइम टू एग्जीक्यूट वाला जो फंडा है ना, जो कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मशीन दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग रेदर देन एनीथिंग एल्स, करेक्ट. तो ये जो पहले तीन मेजरमेंट थे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी वन ऑफ दीज मेजरमेंट्स इन द रियल लाइफ. द नेक्स्ट मेजरमेंट इज स्पेस टू एग्जीक्यूट, स्पेस टू एग्जीक्यूट. मतलब वेरी इजी क्वेश्चन इज द लाइन्स ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट एंड स्पेस टू एग्जीक्यूट, हाउ दे आर डिफरिंग. वो किस तरीके से डिफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई, क्यों डिफर कर रहे हैं सर. सर लाइन टू एग्जीक्यूट का मतलब है प्रोग्राम का साइज, स्पेस टू एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम का साइज, दैट इज डिफरेंट. व्हाई, बिकॉज व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इट टेक्स डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. ओके, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम होता क्या है, वी टू अ प्रोग्राम वी अलोकेट सम मेमोरी एज अ प्रोसेस, ठीक है, फाइन. इस मेमोरी के अंदर वी स्टोर आवर एग्जीक्यूटेबल कोड. अगर ये हमारे पास सी का प्रोग्राम है देन इट विल बी ए डॉट आउट कोड. उसके बाद वी हैव स्पेस फॉर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स. देन वी हैव स्पेस फॉर हीप एंड स्टैक, हीप एंड स्टैक, करेक्ट. और ये जो हीप और स्टैक है दे ग्रो एट अ डिफरेंट डायरेक्शन. व्हेन यू अलोकेट मेमोरी टू अ ऑटो वेरिएबल or when you allocate memory to a local variable, that memory is just to manage that memory efficiently, we give this memory to heaps, okay. But when you do recursive programming, that recursive programming is done with the help of a stack, correct. It is just a broad view how the memory is implemented and how the memory is allocated to a process. Ek process ke liye hame ye space chahiye hoti hai. Ab dekho, ab ye jo program hai it is a non recursive program. अगर मैं ये मेजर करता हूँ, लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर विच इज 10. एक नंबर 10 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है. तो नंबर 10 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे सर? सर नंबर 10 का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक एज्यूमिंग इंटीजर 2 बाइट का है, एक 2 बाइट की मेमोरी इंटीजर आई को लोकेट होगी, एक 2 बाइट की मेमोरी इंटीजर जे को लोकेट होगी, फिर इसके अंदर हम 1 स्टोर कर देंगे, फिर ये प्रोग्राम चलेगा, वट एवर जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा एंड इट विल गिव द प्रोग्राम, ठीक है. अब हुआ क्या, बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर देयर इज नो रिकर्शन व्हाटसोएवर, रिकर्शन नहीं हुई, तो ये जो मेमोरी है ना ये फिक्स रहेगी. इवन यू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर 1000 और इवन यू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर विच इज 1, चाहे नंबर 1 हो या 1000 हो या 5 हो या 10 हो या 20 हो या कुछ भी नंबर हो, द स्पेस यूटिलाइज्ड बाय दिस प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स और हीप्स और प्रोसेस दैट विल बी सेम, दैट विल नॉट चेंज एट ऑल. क्यों? क्योंकि इसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है. वट एवर वेरिएबल्स जो भी उनको अलोकेट हो चुका है, हम उसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसके बाद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसकी बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिकर्सिव प्रोग्राम एंड रिकर्सिव कॉल्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, रिकर्सिव कॉल्स हमेशा स्टैक के अंदर स्टोर होती है. अब होगा क्या, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 निकालना है, तो स्टैक के अंदर क्या कॉल स्टोर होगी? सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 स्टोर होगी मेन प्रोग्राम से, जहाँ से भी इसको कॉल करेंगे वट एवर. तो यहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल होगा, वो रिकर्सिव कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 4 को, वो रिकर्सिव कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 को, वो रिकर्सिव कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 2 को, वो रिकर्सिव कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 को. यानी कि जो फैक्टोरियल्स की कॉल है, यहाँ पर जो स्टैक के अंदर स्पेस यूटिलाइज हो रही है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इनपुट. यहाँ पर इनपुट का साइज 1000 हो सकता है, स्पेस विल नॉट चेंज. यहाँ पर इनपुट का साइज 1000 होगा बट स्पेस विल चेंज. तो वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय अ प्रोग्राम दैट विल चेंज, राइट. सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. यू कैन नेवर टेक स्पेस टू एग्जीक्यूट लाइंस ऑफ कोड, करेक्ट. दे बोथ आर एग्जैक्टली डिफरेंट थिंग्स. सेकेंडली वी हैव नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट. लाइन्स ऑफ कोड नंबर ऑफ स्टेटमेंट से डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट सेमीकॉलन से सेपरेटेड है, दिस बिकम्स अ स्टेटमेंट. यहाँ पर क्या है, इस फॉर लूप के अंदर वी हैव एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है.
अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि सर कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो मैं क्या किससे काउंट कर सकता हूँ रफली? रफली जस्ट मेजरिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट, आई एम नॉट मेजरिंग कि एक स्टेटमेंट को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज हम मशीन डिपेंडेंसी पर नहीं जाएंगे, हम बस ये मेजर करेंगे कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट, लेट अस सपोज रफली इट इज वन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर थ्री, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी सर? ये वाली स्टेटमेंट होगी एन टाइम्स, ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये वाली होगी एन टाइम्स एक्चुअली, एंड ये वाली स्टेटमेंट कितनी होगी? एन टाइम्स, रफली आई एम सेइंग एन टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, वट एवर, बिकॉज जैसे जे की वैल्यू टू से स्टार्ट है तो मैं एक्जैक्टली मेजर नहीं कर रहा हूँ, रफली आई एम सेइंग इट विल बी क्लोज टू एन। तो कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? एन प्लस एन प्लस एन प्लस टू प्लस थ्री प्लस समथिंग, विच इज मे बी समवेयर अराउंड थ्री एन प्लस सम सेवन टेन और समथिंग, विच कैन बी अ वेरी कॉन्स्टेंट नंबर, इट इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, सो थ्री एन प्लस सी विच इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, सो दीज मेनी स्टेटमेंट्स आर बींग एग्जीक्यूटेड इन दिस प्रोग्राम, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई लूप नहीं है, अगर कोई लूप नहीं है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो फाइंड करना इसके मुकाबले थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सर यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी रिकर्सिव कॉल होगी तो एक ये स्टेटमेंट है हमेशा एग्जीक्यूट होगी और ये वाली स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगी। एक रिकर्सिव कॉल पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास टी एन इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट बींग एग्जीक्यूट इन वन रिकर्सिव कॉल, तो कितनी रिकर्सिव कॉल होगी जब भी हम एन की वैल्यू देंगे? रिकर्सिव कॉल फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर सो ऑन, हर बार हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा और हमें बस ये देखना है कि हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स द टी एफ एन माइनस वन प्लस ई। आई विल कम टू दिस की कैसे आया, दैट विल दैट आई विल एक्सप्लेन ये कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन था इसका आने का, बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही है तो इस रिकर्सिव कॉल में कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, करेक्ट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ये बहुत ही रफ एग्जाम्पल है, लेकिन इस रफ एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि स्पेस टू एग्जीक्यूट इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। अब इसी में एक और मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, विच इज अबाउट फिबोनाची ऑफ अ नंबर। अगर फिबोनाची ऑफ अ नंबर लूंगा तो उस केस से वी कैन क्लियर आउट द डिफरेंस बिटवीन स्पेस टू एग्जीक्यूट एंड टाइम टू एग्जीक्यूट, दैट विल गिव अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो पिछला एग्जाम्पल लिया था दैट इज अबाउट फिबोनाची ऑफ अ नंबर, राइट। अब ये जो एग्जाम्पल हो, सॉरी दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब ये जो एग्जाम्पल होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द इजिएस्ट एग्जाम्पल पॉसिबल टू एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस एग्जाम्पल में आई ट्राई टू फाइंड फिबोनाची ऑफ अ नंबर। एवरीवन नो व्हाट इज अ फिबोनाची ऑफ अ नंबर, अगर नहीं पता तो चाहे गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, फिबोनाची ऑफ अ नंबर, आई कैन राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम, दैट इज द इजिएस्ट प्रोग्राम टू राइट फिबोनाची, ठीक है। कैसे? रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? फिबोनाची ऑफ अ नंबर एन इज इक्वल टू, इट इज जीरो इफ एन इज इक्वल टू जीरो, इट इज वन इफ एन इज इक्वल टू वन, और इट इज फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू अदरवाइज, करेक्ट। एंड वी आर ओनली फाइंडिंग फिबोनाची फॉर पॉजिटिव नंबर्स, वी कैनॉट फाइंड फिबोनाची फॉर नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम में लिखूंगा सर तो कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम कैसा होगा? फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज इंटीजर एन, इट इज इफ एन इज इक्वल टू जीरो देन रिटर्न जीरो, इफ एन इज इक्वल टू वन देन रिटर्न वन, अदरवाइज रिटर्न फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू, दिस इज गोइंग टू रिटर्न द फिबोनाची ऑफ अ नंबर, द इजिएस्ट थ्री लाइन कोड टू फाइंड फिबोनाची ऑफ अ नंबर, राइट। विद इन जस्ट थ्री लाइन्स वी कैन फाइंड फिबोनाची। अब सर सर मैंने बना दिया, माई प्रोग्राम इज वेरी गुड, राइट, बट लेट अस सी इफ इट इज गुड और नॉट, ओके। तो होगा क्या कि वी विल ट्राई टू फाइंड द फिबोनाची नंबर विच इज फाइव। तो जब भी हम 5 का फिबोनाची निकालेंगे इट विल यूटिलाइज सम स्पेस इन स्टैक बिकॉज इट इज अ रिकर्सिव प्रोग्राम, करेक्ट। आइदर आई कैन शो यू द स्टैक और आई कैन शो यू द रिकर्सिव ट्री। अगर मैं रिकर्सिव ट्री की बात करता हूँ, जैसे कि हमें फिबोनाची ऑफ अ नंबर 5 का निकालना है, तो क्या होगा? इट विल फाइंड फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, फिर फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 3 प्लस फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 2, यहाँ से फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 2 प्लस फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 1, यहाँ से फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 1 प्लस फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 0, ठीक है। यहाँ से अगेन फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 1 प्लस फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज 0, यहाँ से फिबोनाची ऑफ 2
प्लस फिबोनाची ऑफ वन, फिर अगेन फिबोनाची ऑफ वन प्लस फिबोनाची ऑफ जीरो, करेक्ट राइट. जस्ट टू फाइंड फिबोनाची ऑफ नंबर वी हैव डन सो मेनी रिकर्सिव कॉल्स. अब ये जो रिकर्सिव कॉल्स है ना, दे विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इनपुट. ओके, जैसे कि देखो, अगर इस केस की बात करता हूँ जहां पर फिबोनाची ऑफ 5 निकाला है, तो फिबोनाची ऑफ 5 के अंदर फिबोनाची ऑफ 5 इज अ फंक्शन कॉल, ये कितनी बार कॉल हुई है? सिर्फ एक बार. इस केस में फिबोनाची ऑफ 4 कितनी बार कॉल हुआ? कितनी बार कॉल हुआ? एक बार. फिबोनाची ऑफ 3 कितनी बार कॉल हुआ? एक बार, दो बार. फिबोनाची ऑफ 2 कितनी बार कॉल हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, करेक्ट. फिबोनाची ऑफ 1 कितनी बार कॉल हुआ? एक, दो, तीन, चार, पांच. फिबोनाची ऑफ 0 कितनी बार कॉल हुआ? एक, दो, तीन, करेक्ट. तो टोटल रिकर्सिव कॉल्स कितनी हुई यहां पर? 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 3, व्हिच इज दिस इज 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 8, 7, 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15. सो देयर आर 15 रिकर्सिव कॉल्स. अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर देखो, अगर मैं फिबोनाची ऑफ 1 कॉल करता हूं, फिबोनाची ऑफ 0 मुझे कॉल करना है, तो मेरे पास एक ही कॉल होगी, एक ही फंक्शन कॉल होगी. फिबोनाची ऑफ 1 पर एक ही फंक्शन कॉल होगी. फिबोनाची ऑफ 2 जब हम निकालेंगे, तो यहां पर कितनी फंक्शन कॉल हो रही है? 1, 2, 3. फिबोनाची ऑफ 2 में हमारे पास 3 फंक्शन कॉल्स होंगे. जब मैं फिबोनाची ऑफ 3 निकाल रहा हूं, तो यहां पर कितनी फंक्शन कॉल होगी सर? 1, 2, 3, 4, 5. देयर आर 5 रिकर्सिव कॉल्स. जब मैं फिबोनाची ऑफ 4 निकाल रहा हूं, देन हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल्स विल बी देयर? इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. रिकर्सिव कॉल मीन्स फंक्शन कॉल. सो देयर विल बी 9 फंक्शन कॉल्स. फिबोनाची ऑफ 5 में निकालूंगा, देयर आर हाउ मेनी? 15 फंक्शन कॉल्स. अब उसी तरीके से इफ आई फाइंड फिबोनाची ऑफ 6 और इफ आई फाइंड फिबोनाची ऑफ 20, तो कैन यू फाइंड आउट फिबोनाची ऑफ 20 में कितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी? इट विल बी सो ह्यूज कि अगर हमारा प्रोग्राम एक सेकंड में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो इट विल टेक डेज टू फाइंड फिबोनाची ऑफ 20 और 22. जिस तरीके से हमारे पास एक प्रोग्राम होता है टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम. अब टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम में होता क्या है? वी कैन राइट अ इजी रिकर्सिव प्रोग्राम फॉर दिस. बट उसमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स कितनी होती है? देर विल बी टोटल ऑफ 2^(n-1) फंक्शन कॉल्स. तो इसका मतलब है कि 2^(n-1) फंक्शन कॉल का मतलब है कि वो इट इज एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, अगर n की वैल्यू हमारे पास 64 है, यानी कि हमारे टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम में हमारे पास 64 प्लेट्स है, तो इट विल टेक 587 बिलियन ईयर्स फॉर आवर कंप्यूटर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम. मतलब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. वी नो के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सॉल्यूशन इतने टिपिकल है कि अगर आप उसको कोई बड़ी नंबर दोगे, इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर आवर कंप्यूटर टू गिव द रिजल्ट. आज प्रोग्राम दिया तो बिलियंस ऑफ ईयर के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा. वैसा ही एक प्रोग्राम फिबोनाची ऑफ नंबर है. फॉर स्मॉल नंबर्स इट इज़ वेरी इजी. स्मॉल नंबर्स लेगा, इस तरह का जो रिकर्सिव फंक्शन है वो हमें कुछ देर में आउटपुट दे देगा, 5, 10, 20, 30, मे बी. बट इफ यू टेक द नंबर वेरी लार्ज, से फिबोनाची 50 का नंबर दिया, इट विल टेक आवर्स टू फाइंड फिबोनाची 50 फॉर रिकर्सिव फंक्शन. इट विल टेक फॉर फिबोनाची 100, इट विल टेक आवर्स टू फाइंड फिबोनाची 100. अब यहाँ पर चेक करो कि इतनी सारी रिकर्सिव कॉल जब हम कर रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग सो मच स्टैक स्पेस एंड वी आर वेस्टिंग सो मच टाइम, बिकॉज हर चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं. ये तो सिर्फ फिबोनाची 5 की बात थी सर. अगर मैं फिबोनाची 5 की जगह पर फिबोनाची 6 निकालता हूँ, तो फिबोनाची 6 में क्या होगा? फिबोनाची 6 में क्या होगा कि हमारे पास एक और ऊपर फिबोनाची 6 आ जाएगा. इसकी एक रिकर्सिव कॉल होगी फिबोनाची 5 और दूसरी रिकर्सिव कॉल होगी फिबोनाची 4 की. तो फिबोनाची 4 में कितनी रिकर्सिव कॉल थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 तो यहाँ पर होंगी रिकर्सिव कॉल्स. ये वाली 15 ऑलरेडी है और ये वाली 1 ऑलरेडी है. तो 15 + 1 = 16, 16 + 9 = 25. तो यहाँ पर तो 25 ले लेगा सर. अब इसमें और ऊपर जाऊँगा, इट विल द नंबर विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. एक्चुअली इट इज द पावर्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट नंबर. इट बिकम सो बिग इन सम टाइम दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड फिबोनाची ऑफ अ नंबर. ठीक है, तो स्पेस तो इस टाइम तो हमें पता चल गया कि भाई बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हर बार रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, पर कितनी स्पेस यूज होगी यहाँ पर? कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इट इज गोइंग टू यूज इन टर्म्स ऑफ स्टैक? कितनी स्पेस चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए टू फाइंड फिबोनाची ऑफ नंबर? सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज
अगर हमें टाइम देखना है कितनी फंक्शन कॉल्स होंगी, दैट इज़ वेरी ह्यूज. इट विल बी सम कॉन्स्टेंट नंबर विद द पावर एन. आई डोंट रिमेंबर, मे बी इट इज आई थिंक 1.3 रेस्ट पावर एन और 1.7 रेस्ट पावर एन, समथिंग दिस ह्यूज नंबर. ओके, आई हैव टू फाइंड दैट फॉर्मूला. तो मैं इसको निकाल के बता सकता हूँ, बट इसको अभी यहाँ पर मतलब बनता नहीं है निकालने का, बिकॉज दैट विल बी एक्सपोनेंशियल पावर दैट आई नो. अब यहाँ पर है क्या कि इवन दो इट इज सम कॉन्स्टेंट नंबर विद द पावर ऑफ एन विच इज एक्सपोनेंशियल नंबर विच कैनॉट सॉल्व, कंप्यूटर कैनॉट सॉल्व, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो स्पेस कितनी यूज होंगे सर यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ एन. ऑर्डर ऑफ एन, अभी आपको नहीं पता ऑर्डर ऑफ एन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन है क्या, बट यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पेस यूज होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन. ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्या है कि अगर आप स्टैक के अंदर स्पेस यूज करोगे, जैसे कि हमारे पास फिबोनाची ऑफ पहले 5 कॉल हुआ, फिर फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ, फिर फिबोनाची ऑफ 3 कॉल हुआ, समथिंग हुआ, जस्ट टू सी फिबोनाची हमारे पास सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन स्पेस यूज होगी, एन स्टैक रिकर्स एन रिकर्सिव कॉल स्टैक में स्टोर होगी, फिर क्या होगा यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल बाहर जाएगी, उसकी जगह पर एक दूसरी रिकर्सिव कॉल अंदर आएगी, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये बाहर जाएगी, उसके बाद दूसरी अंदर आएगी, तो यहाँ पर जो स्टैक स्पेस यूज होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन. हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, डिस्कस कर ही लेते हैं, करेंगे क्या, कर ही लेते हैं. जैसे कि देखो अगर मुझे फिबोनाची 5 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो दिस इज स्टैक, दिस इज फिबोनाची ऑफ 5, होगा क्या, इट विल से कि मुझे फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 3 लेना है, तो हमने एक रिकर्सिव कॉल करी फिबोनाची ऑफ 4 की, इट विल से कि मुझे फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 लेना है, इट विल टेक वन मोर रिकर्सिव कॉल फॉर फिबोनाची ऑफ 3. ये बोलेगा कि मुझे फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 लेना है, तो इट विल टेक वन मोर रिकर्सिव कॉल फॉर फिबोनाची ऑफ 2. फिर ये बोलेगा मुझे फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 लेना है, ये फिर एक और रिकर्सिव कॉल लेगा फिर फिबोनाची ऑफ 1. और होगा क्या, जब ये रिकर्सिव कॉल यहाँ से बाहर जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट जब यहाँ पर स्टोर होगा, तो ये वाली रिकर्सिव कॉल इसकी प्लेस ले लेगी, तो यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 0 कॉल होगा. अगर हम फिबोनाची ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टैक स्पेस है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, समझा रहा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन जब ये बाहर निकलेगी तो उसकी जगह कोई और ले लेगी, तो स्टैक स्पेस विल बी ऑर्डर ऑफ एन. मतलब अगर एन फिबोनाची ऑफ एन निकाला तो मेरे पास एन रिकर्सिव कॉल्स होंगी, और हर एक एन रिकर्सिव कॉल ऐसे स्टैक के अंदर यूज होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल कैन बी लॉट मोर, इट कैन बी सम कॉन्स्टेंट नंबर विद द पावर ऑफ एन. इस केस में एक टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो रिकर्सिव कॉल को जो मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए, वो होगा कि एक निकली, एक एग्जीक्यूट हुई, जब वो फिनिश होगी उसके जगह पर कोई और आ गया, फिर दूसरे एग्जीक्यूट हुई वो फिनिश हुई, दूसरे कोई और आ गया, एंड सो ऑन. तो स्टैक स्पेस जो यहाँ पर यूज होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन. वो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है स्टैक स्पेस, स्पेस कितनी यूटिलाइज हो रहा है, कैसे निकालते हैं, या फिर टाइम कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो कैसे निकालते हैं. अब देखो, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू मेक दिस प्रोग्राम मोर इंटरेस्टिंग? यस. इज इट पॉसिबल? यस सर, इट इज पॉसिबल. हाउ इज इट पॉसिबल? देखो मैं क्या बोलूँगा, सर सर मैं क्या, मेरे पास एक आइडिया है सर. क्या आइडिया है सर? सर जितने भी रिकर्सिव कॉल्स हैं हम बार बार क्यों इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सर, इसको स्टोर कर लेते हैं इसकी वैल्यू को. तो हम क्या करेंगे, सर ठीक है आई टेक एन अरे और इनको स्टोर करने के लिए आई फाइंड बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है कि हमें यहाँ की जो वैल्यू से ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको बार बार नहीं फाइंड आउट करना. तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसे अरे बना लेंगे और उसके अंदर हर एक रिकर्सिव कॉल को स्टोर करेंगे. जैसे इंडेक्स लोकेशन पर 0 पर हम फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंडेक्स लोकेशन 1 पर फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंडेक्स लोकेशन 2 पर उसकी 2 की वैल्यू स्टोर करेंगे. यानी कि जब भी हमारे पास फिबोनाची ऑफ 2 की रिकर्सिव कॉल आएगी, जब भी ये वाली रिकर्सिव कॉल आएगी, तो हम बार बार इसको कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे कि हम यहाँ पर क्या स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे. हम सिंपल क्या करेंगे, इस अरे के पास जाएंगे और पूछेंगे फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी. क्योंकि जितनी बार भी आप इसको रिकैलकुलेशन करोगे, जैसे फिबोनाची ऑफ 5 है, अब देखो फिबोनाची ऑफ 7 अगर हम निकालेंगे तो उसके अंदर फिबोनाची 5 की बहुत सारी रिकर्सिव कॉल होगी, जो कि इन टर्म्स बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उन सब के अंदर अंदर बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स होंगी. तो उस मेमोरी की जगह पर हम बस ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर्ड है हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे. तो हमने सिंपल क्या किया, फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू 0 स्टोर कर दी, 1 की वैल्यू 1 स्टोर कर दी, क्योंकि हमें पता है. सिंपल करना क्या है, अब 2 के अंदर हमें बस इन दोनों को ऐड कर दो, फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो फिबोनाची ऑफ 4 की वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन. तो सिंपल कैसे करेंगे, देखो इंटीजर फिबो ऑफ अ नंबर एन, एंड आई एम एज्यूमिंग कि हम लोग एन साइज का अरे दे सकते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी केस. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इंटीजर अरे ले लूँगा ए, जिसके अंदर एन साइज होगा. ठीक है, और इंडेक्स लोकेशन एक्चुअली एन प्लस वन आप एज्यूम कर लो, बिकॉज 0 से लेकर एन तक होंगी. ये हम लोग सी के अंदर नहीं कर सकते, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ 0 के अंदर हमने 0 स्टोर कर दिया और ए ऑफ 1 के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया, करेक्ट. अब मैं क्या करूँगा, फॉर
इंटीजर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1 प्लस a ऑफ i माइनस 2, करेक्ट. बाद में वी कैन जस्ट रिटर्न a ऑफ n सिंपली. तो यहां से वी कैन फाइंड द फिबोनाची ऑफ अ नंबर. ये प्रोग्राम कैसे बना? ये प्रोग्राम इसकी हेल्प से बना. इसकी हेल्प से कैसे बना? बस हमने बस ये सोचा कि यार हम लोग इतने रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको स्टोर कर ले, क्यों ना हम इसको सेव कर ले, ताकि बार बार कैलकुलेशंस वेस्ट ना हो. तो हमने उसको एक अरे के अंदर स्टोर कर दिया. अब देखो फर्क क्या पड़ा, इस प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो इससे बहुत कम है. यहाँ पर क्या था कि अगर फिबोनाची ऑफ 5 की हमने निकाला तो नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स कितनी हुई, और हर एक नंबर रिकर्सिव फंक्शन कॉल के अंदर स्टेटमेंट है, तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स कितनी हुई, 15. पर 5 के फिबोनाची में वहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक बार, एक बार, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, n टाइम्स, मे बी n प्लस 1 टाइम्स, ये वाला n प्लस 1 टाइम्स, और मे बी n टाइम्स ये वाला, कितना होगा, n टाइम्स. तो कितनी फंक्शन कॉल्स हुई, 1, 2, 3, 4, मे बी 4 प्लस 3n, मे बी इतनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, सम इन टर्म्स ऑफ n. सी आई एम नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू 4 और 3 और समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट इज सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n, कि n की स्टेटमेंट में हमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अब ये जो स्टेटमेंट, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल में अगर मुझे फिबोनाची 5 निकालना है, तो 5 के फिबोनाची में कितनी रिकर्सिव कॉल होगी, 4 प्लस 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15, 4 प्लस 15 विच इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 19. हमारे पास 19 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, याद रखना इट इज 19 स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट 19 फंक्शन कॉल्स. यहाँ पर हमारे पास 15 फंक्शन कॉल्स हुई थी जिसके अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज करके लेट अस सपोज मैं 1000 कर देता हूँ. 1000 का मतलब है कि जो सम कॉन्स्टेंट नंबर रेज टू पावर 1000, इतनी फंक्शन कॉल्स होंगी. अब ये कॉन्स्टेंट नंबर, इवन दिस कॉन्स्टेंट नंबर इज 1.1 रेज टू पावर 1000, इट बिकम्स ह्यूज, वेरी ह्यूज. 1 रेज टू पावर 1000 इज वेरी वेरी ह्यूज, राइट. बट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 इन प्लस 3 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 3004, यानी कि सिर्फ इतनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, और यहाँ पर इतनी तो फंक्शन कॉल्स होंगी. तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड बट इट विल बिकम ईजी. यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेंगे ये बहुत ईजी हो जाएगा. बट फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं इस प्रोग्राम को फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ? मैं बोला हाँ कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते? क्यों? देखो फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन सी रेस्ट पावर एन, स्पेस कितना यूज़ किया, ऑर्डर ऑफ एन. यहाँ पर क्या हुआ, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन. हम देखेंगे वो निकलती कैसे है, उसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उसके लिए हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देनी पड़ेगी. इसके बाद हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस करेंगे. बस इतना समझो कि यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन है, वो कुछ सब मैजिकल नंबर फॉर यू, यू डोंट नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन. जस्ट से कि एन और एन स्क्वायर के अंदर एन छोटा होता है, बस. यहाँ पर कितना हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन. यहाँ पर है सम 1.1 और सम सी रेज टू पावर एन. अब यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ सर कि स्पेस कितना यूज होगा, अगर फिबोनाची ऑफ एन चाहिए तो हमें एक अरे का साइज देना पड़ेगा, उस अरे का साइज एन होगा. तो स्पेस जब हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, कितना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, वो होगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. कितना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें एक अरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज एन होगा, बाकी छोटे छोटे वेरिएबल्स की स्पेस को मैं मेजर नहीं कर रहा. और यहाँ पर जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो एन एज्यूम कर रहा हूँ, एन विल बी वेरी लार्ज नंबर. हमेशा जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कुछ भी टॉपिक मेजर करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं दैट एन इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर. तो एन आई एम एज्यूमिंग अ वेरी लार्ज नंबर. अब बिकॉज यहाँ पर वी ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट वी फेल्ड टू ऑप्टिमाइज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना है, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको और ऑप्टिमाइज करना. तो हम क्या बोलेंगे, सर हमें इस एक्स्ट्रा स्पेस की भी जरूरत नहीं है सर, वी कैन सॉल्व दिस इशू विदाउट यूजिंग दिस एक्स्ट्रा स्पेस. तो कैसे करेंगे सर? देखो सर, फिबोनाची ऑफ अ नंबर एन, आई टेक इंटीजर करंट, इंटीजर प्रीवियस और इंटीजर नेक्स्ट. ठीक है, बिकॉज हमें फिबोनाची निकालने के लिए, फिबोनाची ऑफ 4 के लिए हमें सिर्फ 2 और 3 के फिबोनाची की जरूरत है, हमें इस पूरी हिस्ट्री की जरूरत नहीं है. हमें फिबोनाची ऑफ 4 निकालना है तो हमें बस इतना पता होना चाहिए फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, फिबोनाची ऑफ 3 क्या है. उसके हमें इसकी जरूरत नहीं है फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, हमें पूरी हिस्ट्री की जरूरत नहीं है. तो हम इस हिस्ट्री को रिमेंबर करने की जगह पर बस पिछली फिबोनाची को याद करेंगे. तो हमने बोला कि इनिशियली जो हमारा प्रीवियस होगा विच इज इक्वल टू 0,
और जो हमारा करंट होगा विच इज इक्वल टू वन. प्रीवियस और करंट जो हमारा कॉन्सेप्ट आया वो इसी चीज से आया कि हमें पता है कि जीरो का फिबोनाची जीरो, वन का फिबोनाची वन, और जो हमारा नेक्स्ट है वो अगले नंबर का फिबोनाची निकालेगा. तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर आई इज इक्वल टू टू, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, हम बोलेंगे नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, फिर प्रीवियस इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट. तो इस तरीके से हम करके हम इस प्रोग्राम को लिख देंगे. इस प्रोग्राम में हुआ क्या, जो टाइम लगा ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज फॉर लूप एन टाइम चलेगा, स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज नहीं करी, तो यहाँ पर जो स्पेस है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन. अब देखो सर कितना डिफरेंस आ गया, हम एक ऐसे इनएफिशिएंट प्रोग्राम से लेकर चले थे जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड 3 थी, लेकिन ये स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर ऑफ एन विच इज़ नॉट वेरी मच, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा था विच इज़ इनकम्प्यूटेबल फॉर वेरी लार्ज फंक्शंस. कुछ बड़ी वैल्यू लेज होगे तो आप इसको कंप्यूट ही नहीं कर सकते, मे बी फिबोनाची 1000 इट कैन नॉट कम्प्यूट. आप अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम सिस्टम में प्रोग्राम लिखो फॉर रिकर्सिव फंक्शन फिबोनाची 1000 फाइंड आउट करने की कोशिश करो, इट विल टेक ईयर्स टू फाइंड फिबोनाची 1000. बट इसको हमने इसमें और हमने इसको बेटर किया, लेकिन यहाँ पर हमने जो जो ये हमने स्पेस है हमने उसको ज़्यादा यूज़ किया ऑर्डर ऑफ एन विच इज़ स्टिल बियरेबल. फिर हमने इसको और ऑप्टिमाइज किया, हमने ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कर दिया लेकिन स्पेस भी हमने कम यूटिलाइज करी. अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया प्रॉपरली, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज़ एडवांस एल्गोरिथम्स. डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे विच कैन नॉट बी कंप्यूटेड लाइक दिस फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू, जैसे कि हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, हमारे पास 01 नैपसैक है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. उन सभी प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स रिकर्सिव प्रोग्राम में होगी दे विल बी ह्यूज. हमें उसमें करना क्या होगा, हम बस ये देखेंगे बॉटम से अप में कि हमें कौन सी वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी पता है, तो हम सिर्फ उन फंक्शन कॉल्स की वैल्यूज को याद रखेंगे अरेज की फॉर्म में. इट कैन बी टू डायमेंशनल अरे, इट कैन बी थ्री डायमेंशनल अरे, इट कैन बी वन डायमेंशनल अरे, बस हमें उन फंक्शन कॉल्स की वैल्यू को याद रखना है ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके, जो हमारे प्रोग्राम को कंप्यूट करने के लिए बहुत इजी बना देगा, विच कम्स वेरी वेरी इजी, राइट. तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये जो एक दो एग्जांपल से टिपिकली ये एग्जांपल दे रहे थे कि हम लोग किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं. अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. और एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब क्या है कि हम अगर कोई प्रोग्राम देंगे तो उसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से मेजर करेंगे. पहले हम करेंगे नॉन रिकर्सिव फंक्शन, फिर हम करेंगे रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है.